ऐसा पार्सल देखने को भी नहीं मिलता है जो कि कॉल करने के बाद अगर बिजी भी रहे तो कॉल बैक करे। हम लोग अपने पार्षद के कार्यों से संतुष्ट भी हैं। हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे अशोक जी बने रहे। कौन सा ऐसा काम है जो छूट रहा है क्षेत्र में? इनके अनुसार तो अभी तक तो कुछ छूटा नहीं। हम लोग के लिए सब कुछ किए। हर समय उपलब्ध होते हैं आपके? बिल्कुल। 10 नंबर से कितना नंबर देंगे पार्षद जी को? 10 में 10। हम दे देंगे 10 में 10। इनको 10 में 11। नमस्कार, बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। कहिए पार्षद जी के इस सेगमेंट्स में हम आ गए हैं वार्ड नंबर 31 में, जहां के पार्षद है अशोक यादव जी, जिन्होंने 3 टर्म अपना अपने इस जनता के प्यार के कारण अभी तक पार कर चुके हैं। अब इस 4th अपने पारी के लिए वो जनता के बीच जाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाएंगे। सबसे पहले बिफोर प्रिंट को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताइए, आप इस बार चौथे बार के लिए आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे इस क्षेत्र में, कौन से मुद्दे लेकर जनता के पास जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो हमेशा लेके चले विकास का, और मेरा एक अच्छी लक्ष्य रहा है कि वार्ड को सुंदर बनाना मेरा लक्ष्य रहता है। और 3 बार यहाँ के एक एक मतदाता का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद देकर 3 बार जिताया है, और 4th बार भी हम अपने एक एक मतदाता से अपील करते हैं कि वही प्यार स्नेह आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, इतना विश्वास है। आप चौथे बार के लिए आप लड़ाई इस बार करेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन इस क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम है जो अब तक छूट रहा है और आने वाले समय में आप उसे कर पाएंगे? देखिए, विकास का कोई सीमा नहीं होता है। आज हम रोड बनाए हैं तो हो सकता है 2 साल बाद खराब हो, और विकास हमेशा चलते ही रहता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जो राशि केंद्र से आता है, राज्य सरकार से आता है, हम लोग विकास के तरफ लगाते हैं। और हमेशा हम अपना लक्ष्य यही रखते हैं, चाहे वो सरना स्थल हो, मसना हो, वार्ड का विभिन्न गली रोड नाली, ये सब बहुत ही अति आवश्यकता है। अभी जैसे कि पूरे वार्ड में पानी का व्यवस्था, जहाँ छूटा हुआ पाइपलाइन था, अमृत योजना के तहत एक एक गली में कनेक्शन करवा दिया गया है, हो सकता है 1-2 महीना के अंदर वो चालू भी हो जाए। और एक केंद्र का योजना था सीवरेज ड्रेनेज का, वो भी लगभग हमारे वार्ड में 70% हो चुका है, सभी को अपने देख रेख में अच्छे रोड निर्माण करवा दिया गया है, और आगे भी जो बचा हुआ है चाहते हैं कि अपने देख रेख में उसको अच्छा से अच्छा निर्माण करवा दें। वृद्धा पेंशन, स्ट्रीट लाइट और जो योजनाएं हैं नगर निगम की, उसकी क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? देखिए, विधवा पेंशन तो हम 15 साल में इतने लोगों को बनवा दिए हैं, हर घर घर में जाकर जो भी ऐसे लगते हैं कि विधवा हैं या ओल्ड एज हैं, सभी का अपील करके बनवा चुके हैं। अब आंकड़ा तो नहीं बता रहे हैं, फिर भी देखिए उम्र बढ़ते रहता है तो पेंशनधारी भी आते जाते रहते हैं। अभी देखिएगा कि 10 पेंशन मेरे टेबल में रखा हुआ है जिसको तत्काल भेजना है, और करीब 1300 राशन कार्ड है मेरे वार्ड में, जो अत्यंत गरीब हैं वो लोग केंद्र सरकार का योजना का लाभ ले रहे हैं। स्ट्रीट लाइट हर एक एक पोल में है, कभी ऐसा होता है कि नया कहीं पोल लगा तो उसमें हो सकता है ना हो, नहीं तो मेरे पूरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट का कहीं कमी नहीं है। आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे वार्ड में पानी का समस्या कहीं पर भी नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत 15 साल से हम इस वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि ड्राई जोन है मेरे क्षेत्र पर। सफाई के लिए आपको नगर निगम से कितने लोग मिले हैं, कितनी गाड़ियां मिली हैं? देखिए, मेरे पास 6 टाटा एस है, 3 ट्रैक्टर है,
23 से 24 लोग लेबर हैं। और कभी ऐसा होता है बहुत अति आवश्यकता पड़ता है तो हमने नगर निगम से मंगवाने का कोशिश करते हैं। जैसे अभी लगन का समय है, हो सकता है कहीं बहुत ही अति आवश्यकता पड़ता है तो हम अपने देख रेख में सफाई का भी, और मेरा एक रूटिंग है, सुबह 7 बजे से क्षेत्र पर निकलते हैं, एक एक गली मोहल्ला का सफाई देखते हैं, उसके बाद 10 बजे अपने वार्ड कार्यालय में बैठना शुरू करते हैं। ये शुरू से 15 वर्षों से मेरा ये रूटिंग है। आपका इतना बड़ा क्षेत्र है, क्या आपको नगर निगम से जो सफाई कर्मी या गाड़ियाँ मिलती है वो सफिशियंट है? देखिए है तो आवश्यकता एक दो का और, पर जो संसाधन मिला हुआ है उसी में हम लोग भी अपना काम को करते आ रहे हैं। अब नगर निगम के पास व्यवस्था बढ़ेगी तो फिर आगे इस पर गाड़ी का भी व्यवस्था किया जाएगा। एक लंबे अंतराल से आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, आपको क्या लगता है कि आपने कोई ऐसा काम है जो छूट गया हो अब तक इन अंतराल में, तो आप करना चाहेंगे आगे आने वाले समय में? देखिए पिछले टर्म जो हम वादा करके आए थे और हम वही वादा करते हैं जो हम सक्षम होते हैं, और प्रयासरत रहते हैं कि जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को हम वचन दिए हैं। काम ऐसा है कि आगे पीछे होता है, समय टेंडर में जाना, प्रक्रिया बहुत नगर निगम का थोड़ा सा जटिल है, इसलिए थोड़ा सा विलंब होता है, पर काम अवश्य होता है। फंड की क्या स्थिति है नगर निगम की? फंड की स्थिति बहुत अच्छी है नगर निगम का, फंड के लिए कोई कमी नहीं है। अभी इलेक्शन का घोषणा होने से पहले 1 करोड़ रुपया का जो भी हमारा फंड बचा हुआ था, विभिन्न गली में योजना का अनुशंसा किया गया है। अब तो डेट आगे बढ़ेगा या क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पर वो धरातल पर मेरा ये सारा फंड यूज हो जाएगा। आपके अब तक जितने फंड मिले वो सब खर्च कर चुके हैं? ये शुरू से मेरा बोर्ड मीटिंग में हो या फंड की विषय आता हो, हम अपने आप से हमेशा अफसर से जूझते रहते हैं, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम लाने का प्रयास करते हैं। ये जनता का प्यार ही ऐसा है जो 3 टर्म आने के बाद हम जनता का प्यार के तरह दब चुके हैं, इसको लेके आगे हमेशा बढ़ना चाहते हैं। आपके मन में कोई ऐसी टीस है कि सब दूसरे वार्ड क्षेत्र में ये रहा है, मेरे में नहीं है, कोई ऐसी बात है आपके मन में? ऐसे कोई मेरे मन में टीस नहीं है, बाकी वार्ड से काफ़ी सुंदर संवार के रखे हैं, और इसका गार्डिंग खुद हम पार्षद होते हुए करते हैं कि जिम्मेदार के तरह, जैसे नगर निगम में जिम्मेदार होते हैं ना, उस प्रकार का हम क्षेत्र में अपने से गार्डिंग करते हैं। आपके पार्षद जी इतने लंबे अंतराल से यहाँ जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी सोच एक इंटेलेक्चुअल के नाते, मेरी सोच व्यक्तिगत यही रहती है कि पार्षद ऐसा हो जब चाहे जहाँ चाहे जिस परिस्थिति में भी हम हो उन्हें आवाज़ दे तो वो आ जाए, फ़ोन करे तो फ़ोन उठा लेवे। नाली की सफाई, गली की सफाई, कचरे का निपटान, स्ट्रीट लाइट, ये सब द्वितीय स्तर की बातें होती, पहले स्तर की बातें होती कि घर में कोई खुशी का माहौल है, हमने पार्षद को फ़ोन किया, पार्षद जी आइए, और पार्षद जी आ गए, फ़ोन किया, फ़ोन उठा लिया, परेशानी उन्हें बताई, परेशानी के निष्पादन का उन्होंने प्रयास किया जितना संभव हो सका, और कभी कभी तो पूरा ही परेशानी खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग अपने पार्षद के कार्यों से संतुष्ट भी हैं और ऐसा चाहते हैं कि लगातार यही हमारे पार्षद बने रहें। 10 नंबर से कितना नंबर देंगे पार्षद जी को? 10 में 10, 10 में 10, इससे बेहतर तो मैं सोच नहीं सकता। पार्षद जी ने इतने लंबे अंतराल से यहाँ काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जो छूट रहा है आपके क्षेत्र में? इनके अनुसार तो अभी तक तो कुछ छूटा नहीं है, और ये हाँ, और ये जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे काम करते हैं। ये चौथी बार के लिए प्रयासरत है तो जनता का प्यार एकदम, इसके ऊपर तो पूरा सपोर्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं। नली गली रोड नाली सब चीज नाली उली सब, इनका काम बहुत अच्छा है। आपके पार्षद जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। इतने लंबे अंतराल से पार्षद है तो कोई काम है ऐसा जो छूट रहा है? नहीं, सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। पार्षद जी काफी समय से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई काम ऐसा है जो छूट रहा है और लगता है कि इस क्षेत्र में होना चाहिए था?
नहीं, अभी तक तो वैसा कुछ नहीं हुआ है कि मैंने इनका काम कुछ छूटा हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि आजकल ऐसा पार्सल हमें देखने को भी नहीं मिलता है जो कि कॉल करने वाला अगर बिजी भी रहे तो कॉल बैक करे। ये कॉल बैक अति सुलभ है आपके पार्सल? हाँ, अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। और बता रहे ना, अभी कॉल बैक करने वाला पार्सल अभी तक तो अभी सुने नहीं है कि जो कॉल बैक करे, जो बिजी रहता है फिर से कॉल बैक करे। तो आप क्या बोल सकते हैं कि सब चीज़ मतलब कि ठीक है, और ये दोबारा भी यहीं पर बनेंगे ही, हमेशा हमेशा ही रहेंगे हमको लगता है जैसा। पानी का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नाली रोड सब काम पार्सल जी कर लिए? हाँ हाँ, सबके लिए बोलना नहीं पड़ेगा। कितना नंबर देंगे पार्सल जी को 10 में से? सबसे टॉप जो होगा वही नंबर देंगे। कितना नंबर टॉप देंगे? मतलब 10 में क्या है बताइएगा तब ना। 10 में 10 देंगे हम? दे देंगे 10 में 10। 10 में 10 दे देंगे। हाँ, पार्षद जी का काम यहाँ सब लोग, जनता लोग तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही बात है, विकास पुरुष हैं हमारे अशोक बाबू। हाँ, हमेशा उन नगर में इनका दौरा होता है और कहाँ क्या गड़बड़ी है उसको सुधारने का काम कराते करते हैं। बहुत ऐसा काम है जो लगता है कि ये होना चाहिए था इस वार्ड में? ऐसा अभी कोई काम नहीं है जिससे कि गड़बड़ी हो रहा है, अशोक जी का ख्याल नहीं है। बहुत एकदम विकास पुरुष है हमारे अशोक जी। हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे अशोक जी बने रहे। एकदम सुलभ है, जब बुलाते हैं तो आपके पास? हाँ, हमेशा 12 बजे रात में भी अशोक जी का आम जनता के लिए दरवाजा खुला रहता है। अशोक जी ने इतने लंबे समय से काम किया है, कोई ऐसा काम लगता है जो आपको छूट गया है? नहीं नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक जी ने जो भी काम किया है मोहल्ले वाले सारे खुश हैं जी। हाँ, कोई भी काम किसी समय भी बुला के कहते हैं ये काम करना है तो एट ए टाइम करवा देते हैं। 10 नंबर में से आप इनको कितना नंबर देंगे? हाँ जी, 10 नंबर में इनको 10 में 11 देंगे। अशोक जी कैसा काम किए हैं आपके वार्ड में? बहुत बढ़िया। सब कुछ सफाई सब कुछ करते हैं। हाँ। मौका मौका देख करके सब कुछ किए हैं। हर समय उपलब्ध होते हैं आपके लिए? बिल्कुल। अशोक जी ने क्या क्या काम किया है इस वार्ड के लिए? हम लोग के लिए सब कुछ किए। पानी नहीं था, पानी लगा दिए। ऑफिस जाते हैं कुछ भी बोलते हैं उसके मतलब अथी कर देते हैं। और कोई काम ऐसा वार्ड में तो होना चाहिए? बोलने से सभी कुछ कर देते हैं, नहीं करेंगे कभी इनकार नहीं करते हैं। हाँ, ऑफिस में भी जाते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं ये चीज़ कर दीजिए तो कर देते हैं। सबसे हम लोग का समस्या था पानी का, पानी यहाँ पे लगा दिए। तो आपने सुना, हमारे साथ थे वार्ड पार्षद अशोक यादव जी, जो पिछले 3 टर्म से नगर निकाय चुनाव वो जीतते आ रहे हैं। कई वादे कई इरादे तो उन्होंने पूरे किए, लेकिन फिर भी वो जनता का प्यार पाना चाहते हैं, इसलिए चौथी बार इस मुद्दे को लेकर वो जनता के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।